ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, हमारा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। यह समय मार्गशीर्ष मास का समय है। 25-26 को कृष्ण पक्ष का समय रहेगा, उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। दोस्तों, इस सप्ताह में वृषभ राशि वालों के लिए 4 दिन बहुत ज्यादा भाग्यशाली और खास रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 25 तारीख सोमवार से। 25 तारीख सोमवार को चतुर्दशी तिथि रहेगी, विशाखा नक्षत्र होगा, बृहस्पति का नक्षत्र रहने वाला है और चंद्रमा तुला राशि से गोचर करेंगे। सोमवार को बड़ी खुशी आपको अपनी जन्मभूमि से दूर स्थल से मिल सकती है। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, विदेश से कोई अच्छी खबर आ सकती है। अपने व्यापार में बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा, इनकम बढ़ते हुए दिखाई देगी, व्यापारिक गतिविधियां तेज गति से आगे बढ़ेंगी, लेकिन मेहनत अधिक होने से शारीरिक थकान बन सकती है। सोमवार को मुकदमेबाजी में आपकी जीत हो सकती है, पुराने उधार की वापसी हो सकती है और नए काम के लिए धन की व्यवस्था भी होगी। सोमवार के दिन खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, सेहत के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। बात करें 26 तारीख मंगलवार की, इस दिन अमावस्या तिथि रहेगी, अनुराधा नक्षत्र होगा, शनि का नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे। बड़ी मात्रा में धन लाभ आपको मंगलवार के दिन होने वाला है, भाग्य के साथ मिलते हुए दिखाई देगा। पूजा पाठ में, धर्म में, आध्यात्म में आपकी विशेष रुचि रहेगी। किस्मत अचानक से चमक सकती है, अचानक से आपकी लॉटरी भी लग सकती है और अपने व्यापार में तो मुनाफा होगा ही। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा, करियर में आने वाली समस्याएं दूर होंगी, जॉब करने वालों को अच्छी खबरें मिलेंगी, नए काम मिल सकते हैं, नई जॉब लग सकती है और जॉब में प्रमोशन भी हो सकती है। इस दिन प्रयास करने पर सफलता ही मिलते हुए दिखाई देगी। बात करें 27 तारीख बुधवार की, इस दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी, ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, बुध का नक्षत्र रहने वाला है और चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे। लव लाइफ आपकी इस दिन बहुत खास बनने वाली है। लव और रोमांस में इंटरेस्टेड लोगों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। यह दिन बहुत अच्छा होगा, आपको अपने पार्टनर से कोई खुशी मिल सकती है। व्यापार में बड़ा फायदा होगा, धन लाभ होगा और जॉब में भी पुराने काम निपटते हुए नजर आएंगे। नए रिश्ते आपके इस दिन बनने वाले हैं। इस दिन आप दूसरों की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे और लोग भी आपसे प्रभावित रहेंगे। लोग आपकी राय लेना पसंद करेंगे, आप भी लोगों की आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। शेयर्स में इस दिन प्रॉफिट हो सकता है, अचानक से आपकी लॉटरी लग सकती है। बड़ी मात्रा में फायदा आपके बच्चों को भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स को बड़ी समस्याएं दूर होते हुए दिखाई देंगी, टीचर्स का साथ मिलेगा, मित्रों की मदद से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, घर में कोई खुशी आ सकती है। समय इतना जबरदस्त होगा, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। बात करें 28 तारीख गुरुवार की, इस दिन द्वितीया तिथि रहेगी, मूल नक्षत्र होगा, केतु का नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा धनु राशि से गोचर करेंगे। गुरुवार के दिन आपको ट्रेवलिंग करते समय सावधानी रखनी होगी। किसी भी तरह की जल्दबाजी किसी भी काम में ना करें, कागजी कामों में सावधानी रखें, अहम फैसले इस दिन नहीं लेने चाहिए, रिस्क लेने से बचना होगा। नए लोगों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें, नहीं तो धोखा भी मिल सकता है। बात करें 29 तारीख शुक्रवार की, इस दिन तृतीया तिथि रहेगी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा, शुक्र का नक्षत्र रहने वाला है और चंद्रमा धनु राशि से गोचर करेंगे। शुक्रवार को मान सम्मान बढ़ेगा, शुक्रवार को आपकी लाइफ लग्जरियस लाइफ बन सकती है और मित्रों के साथ रहना बहुत पसंद आएगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। शुक्रवार के दिन नए काम मिलने की पूरी उम्मीद है, विदेशी कामों में आप सक्सेस हासिल करेंगे, लव लाइफ भी खास रहेगी और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनते हुए दिखाई देगी। शुक्रवार को सोच आपकी बहुत अधिक बढ़ सकती है
और आप पुरानी बातों को सोचकर बेवजह ही परेशान भी हो सकते हैं। दिन आपके लिए इनकम को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन नए रिस्क इस दिन नहीं लेने चाहिए और पुरानी बातों को सोचकर मन को परेशान ना करें। बात करें 30 तारीख शनिवार की, इस दिन चतुर्थी तिथि रहेगी, उत्तर शाड़ा नक्षत्र होगा, सूर्य का नक्षत्र रहने वाला है और चंद्रमा दिन में धनु राशि में रहेंगे और दोपहर बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह दिन आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके सुखों को बढ़ाएगा, घर परिवार से सहयोग प्राप्त होगा, घर में नया सामान आ सकता है, नई रेनोवेशन हो सकती है, मनपसंद चीजें आपको प्राप्त होंगी, मित्रों के साथ मौज मस्ती होगी और नई नई चीजें आप प्राप्त करने वाले हैं। जमीन जायदाद के मामलों में सफलता, करियर में सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। यह दिन आपके लिए आपके जीवन में एक भाग्यशाली दिन होगा और आपकी जीवन में कई तरह की खुशियां लेकर आएगा। दोस्तों, इस सप्ताह में 25, 26, 27 और 30 तारीख को बड़ा फायदा मिलेगा, 28, 29 को थोड़ी सावधानी रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।